नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं अशोक यादव गीतांजलि विद्यालय में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 7 में एक और व्याकरण का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आज का हमारा प्रकरण इकाई है व्याकरण वर्ग में विराम चिन्ह। विद्यार्थी मित्रों, विराम चिन्ह हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में, खास करके हमारे लेखन शैली में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। आप सबको पता है, अगर विराम चिन्ह बगैर हम सब कुछ लिखे, जो कुछ लिखे उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा। हम जो कहना चाहेंगे उसका तात्पर्य हमें समझ में नहीं आएगा। अगर हम किसी को प्रश्न करना चाहते हैं, किसी बात का हम आश्चर्य व्यक्त करना चाहते हैं, किसी बात को पूर्ण करना चाहते हैं, दो शब्दों को जोड़ना चाहते हैं, ये सब विराम चिन्ह की वजह से हम कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी लेखन में विराम चिन्हों का बहुत ज्यादा महत्व है। आप कितने भी अच्छा लिखो, कितना भी अच्छा लिखो, आपका अक्षर भी स्वच्छ और सुंदर हो, लेकिन इनमें जो विराम चिन्ह है वो उचित जगह पर अगर नहीं लगाएंगे तो जो भी हमने लिखा है उसका भावार्थ हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, हिंदी लेखन में आपको विराम चिन्हों की समझ होनी चाहिए, विराम चिन्हों की आवश्यकता, उसका ज्ञान हमें चौकस होना चाहिए। इसीलिए आज का हमारा चैप्टर विराम चिन्ह के बारे में है। आप ध्यान से विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि विराम चिन्ह कहाँ और कैसे लगाया जाता है। प्रमुख विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, उद्गार बोधक यानी कि विस्मय बोधक और अवतरण चिन्ह। ये हिंदी साहित्य के, हिंदी लेखन के प्रमुख विराम चिन्ह हैं। और अन्य कुछ है, इनमें दो कोष्टक चिन्ह और योजक चिन्ह, तो 6 प्रमुख और 2 अन्य, कुल मिलाकर ये 8 विराम चिन्हों की समझ हमें अच्छी तरह से हो तो हिंदी लेखन में हम अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी हम बात लिखकर किसी को बताने वाले हैं उसकी समझ में आ सकती है। अब विद्यार्थी मित्रों, मैं यहाँ दो एक वाक्य लिखता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण विराम की, तो मैं दो एक वाक्य लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ, क्या बात है, घर में सब कुशल तो है। पहला वाक्य, क्या बात है, घर में सब कुशल तो है। एक और वाक्य लिखता हूं, दादाजी आप कितने अच्छे हैं। दादाजी आप कितने अच्छे हैं। और तीसरा वाक्य लिखता हूं, जाओ यह सामान अपनी अम्मा को दे दे। जाओ जाओ
आप सॉरी जाओ यह सामान अपनी अम्मा को दे जाओ यह सामान अपनी अम्मा को दे। मित्रों मैंने यहां तीन वाक्य लिखे हैं। पहला वाक्य है क्या बात है, घर में सब कुशल तो है। तो हमने एक प्रश्नार्थ चिन्ह के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न किया है। अगर यहां पे हम प्रश्नार्थ चिन्ह की जगह मान लो कि हमने पूर्ण विराम लगा दिया हो तो उसका अर्थ बदल जाएगा। क्या बात है, घर में सब कुशल तो है, ऐसा अर्थ होगा। लेकिन प्रश्नार्थ चिन्ह की वजह से सामने वाला समझ जाता है, लिखकर हमने किसी को भेजा है, क्या बात है, क्या बात है, प्रश्न किया है, घर में सब कुशल तो है। तो सब लोग घर में कुशल है या नहीं, इसका प्रश्न किया है। तो यह बात समझाने के लिए हमें प्रश्नार्थ चिन्ह चौकस करना चाहिए। दूसरा वाक्य है दादाजी आप कितने अच्छे हैं। तो यहां हमने अल्प विराम लगाया, क्या लगाया है, अल्प विराम। दादाजी तैयार होते हुए दादाजी इतना रुकना है और फिर आप कितने अच्छे हैं। तो यहां हमने आश्चर्य व्यक्त किया, आप कितने अच्छे हैं, आश्चर्य व्यक्त किया है, उद्गार वाचक चिन्ह। और तीसरा जा, जाओ जाकर हम रुकते हैं, जा यह सामान अपनी अम्मा को दे दो, यह सामान अपनी अम्मा को दे दो, यह वाक्य पूरा होता है। तो ये तीन वाक्य हमने लिए उदाहरण के तौर पर, ये प्रश्नार्थ चिन्ह है, ये अल्प विराम है, और ये आश्चर्य चिन्ह है, और ये पूर्ण विराम। तो इसी तरह योग्य यानी कि उचित चिन्ह लगाने से हमें वाक्य का अर्थ समझ में आता है। अगर हम उचित विराम चिन्ह नहीं रखेंगे तो हमें वाक्य का कहने का तात्पर्य समझ में नहीं आएगा। इसलिए हिंदी लेखन में, हिंदी राइटिंग में हमें विराम चिन्ह उचित जगह पर रखना चाहिए। अब विद्यार्थी मित्रों हम बात करते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं, तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं, कि पढ़ते समय जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहां पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। पढ़ते समय पूर्ण विराम का लगाया जाता है, पढ़ते समय जहां वाक्य पूर्ण होता है वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। जैसे एक वाक्य में यहां लिखता हूं पूर्ण विराम का, आप देखिए एक वाक्य में लिखता हुआ देखिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, विराम चिन्ह में यहां तो मुझे शुद्ध पानी चाहिए, वहां रुक गए, मुझे शुद्ध पानी चाहिए, ये सीधा साधा वाक्य है, मुझे शुद्ध पानी चाहिए। तो यहां वाक्य समाप्त होता है वहां जो चिन्ह लगाया है वो पूर्ण विराम है। तो समझ में आ गया विद्यार्थी मित्रों कि जहां पढ़ते समय वाक्य समाप्त होता है और समाप्त के वाक्य समाप्त होता है वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। अब हम बात करेंगे अर्ध विराम। तो अर्ध विराम किसे कहते हैं, कि वाक्य पढ़ते समय अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सुनना देखना, वाक्य पढ़ते समय जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ज्यादा देर तक रुकना भी नहीं है और ज्यादा एकदम कम भी नहीं रुकना है,
वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अर्धविराम कहते हैं। जैसे कि एक वाक्य में लिखता हूं, वह थका हुआ तो था ही, वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गए। वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गए, लेटते ही सो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, आवाचक प्रश्न को वह थका हुआ तो था ही, लेटते ही सो गए, इतना ज्यादा भी नहीं होते हैं और इतना कम भी नहीं होते, तो वहां अर्धविराम लगाया, अल्पविराम और रुके हुए एक डॉट्स लगाया, एक डॉट कर अल्पविराम करना है, ऊपर डॉट करना है, जिसे अर्धविराम कहा जाता है। अब हम बात करेंगे अल्पविराम, अल्पविराम को सही कहते हैं। तो वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुका जा सकता है, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर थोड़ी देर रुकना हो, थोड़ी देर रुका जा सकता है, वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उससे अल्पविराम, वो ज्यादा नहीं रुकना, थोड़ी। मान लो कि हमने पढ़ा कि दादाजी आप कितने अच्छे हैं, तो दादाजी की बोलकर हम थोड़ी देर रुके। वैसे एक वाक्य है, दादाजी एक बात बताइए, दादाजी इतना कहते हैं, दादाजी एक बात बताइए, दादाजी एक बात बताइए, दादाजी कहते हैं। तो जहां आपके पढ़ते समय जहां रुकना होता है थोड़ी देर के लिए, वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उसे अल्पविराम कहते, याद रह गया। अब बात करेंगे प्रश्नार्थ, उसे प्रश्नवाचक चिन्ह भी कहते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह भी कहते हैं, हम जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो इस विराम चिन्ह का उपयोग प्रश्न सूचक वाक्य में किया जाए, जहां किसी को प्रश्न करना हो वहां जो चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह कहा जाता है। किसी को हम प्रश्न करते, मान लो आकाश में कितने तारे हैं, प्रश्न किया, हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आए, कल तुम कहां जाने वाले हो, ऐसे जो प्रश्न करते हैं हम लिखकर, तो वहां से चिन्ह आता है उसे प्रश्नवाचक चिन्ह या तो प्रश्नार्थक चिन्ह कहा जाता है। एक उदाहरण देते हैं, नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया, नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया। यहां पर प्रश्न है, नर्मदा का महत्व किसने बढ़ाया, तो समझ में आ रहा है कि जहां प्रश्न किया जाता है, जिस स्थान पर प्रश्न होता है वहां चिन्ह लगाया जाता है। अब बात करते हैं उद्गार बोधक चिन्ह, जहां विस्मय उसे विस्मय आदि बोधक भी कहते हैं, विस्मय उत्पन्न आश्चर्य चक्र कम होते हैं, हमें थोड़ा आश्चर्य होता है जिस स्थान पर वहां ये चिन्ह लगाया जाता है। तो बात करते समय प्रशंसा, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि भाव व्यक्त करने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह लगाया जाता है। कब कब लगाया जाता है, तो बात करें किसी हर्ष की लागण व्यक्त कर, हर्ष व्यक्त करना हो, शोक व्यक्त करना हो, किसी के साथ घृणा उत्पन्न करनी हो, आश्चर्य, ऐसे ऐसे जहां शब्द आते हैं वहां जो चिन्ह लगाते हैं उसे आश्चर्य वाचक चिन्ह कहते हैं, विस्मय आदि निबोधक चिन्ह कहते हैं, उद्गार आदि उद्गार बोधक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह क्या चौका मारा है, प्रशंसा है, इंडिया में वाक्य ले लिए, वाह उद्गार, वाह क्या
चौका मारा। वाह, तो वाह बोलकर हमें आश्चर्य व्यक्त किया, उद्गार हुआ, वाह क्या चौका मारा, प्रशंसा की, क्या किया, प्रशंसा। एक और वाक्य में हाय मैं तो लुट गया, हाय मैं तो लुट गया, तो हाय मैं तो शोक लुट पकड़ क्या शोक के लिए, हाय मैं तो लुट गया, तो यह आपने प्रशंसा की वहां से, फिर हाय शोक प्रकट किया मैं तो लुट गया। एक और वाक्य है, कितने गंदे हो तुम, कितने कितने गंदे हो तुम, छी पहले रहेंगे छी, कितने गंदे हो, तो छी करके हमने उससे थोड़ा नफरत पैदा होने पर, छी तुम कितने गंदे, तो यहां क्या हुआ घृणा। एक और बात करेंगे, ठीक है, उद्गार बोलेंगे वर्ग से शब्दों के साथ होते हैं, वर्ग से भाव प्रकट करने के लिए ये चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए हम इस तरह अलग अलग उदाहरण लेते हैं, जैसे प्रशंसा शोक घृणा। अब एक हर्ष का लेकिन हर्ष उत्पन्न करने का, मां मुझे पहला इनाम मिला, मां मुझे पहला इनाम, हर्ष मां हर्ष मां बोला, फिर आनंद व्यक्त किया, मां मुझे पहला इनाम मिला हर्ष के साथ। यहां छी कितने गंदे हो, तो यहां छी कर बोल के हमने घृणा उत्पन्न की, हाय हाय बोलने के बाद हमें दुख प्रकट हुआ, हमारा शोक प्रकट हुआ, हाय मैं तो लुट गया। ऊपर का वाक्य, वाह क्या चौका मारा तुमने, वाह क्या चौका मारा, तो वाह बोल के हमने उसकी प्रशंसा की। तो विद्यार्थी मित्रों, ये चारों चार वाक्य हमने उद्गार विद्यार्थी वाक्य का उदाहरण लिया। अब आगे हम बात करते हैं अवतरण चिन्ह, तो ये अवतरण चिन्ह हमें कहां इसका प्रयोग करना चाहिए, इसकी बात हम करेंगे। अवतरण चिन्ह, तो अवतरण चिन्ह दो प्रकार के होते हैं, देखो चलिए आगे बढ़ो, इसे इंग्लिश में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, सिंगल यानी इकरा और दुकरा, दोनों तरह के अवतरण चिन्हों का प्रयोग कहां होता है इसकी बात करेंगे। तो इकरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि में इसका प्रयोग होता है, कहां होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग, इकरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, क्या किसी के पुस्तक का नाम दर्शाना हो, किसी का उपनाम दर्शाना हो, किसी की रचना दर्शानी हो, तभी इसका प्रयोग होता है। जैसे उसका उदाहरण लेंगे, इसका उदाहरण तौर पर हम लेंगे कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक है लल्लू भाई गांगुली, कुत्ते की वफादारी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, कुत्ते की वफादारी, ये हमने कुत्ते की वफादारी रचना है, इस रचना को हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा
कुत्ते की वफादारी इस पाठ का कुत्ते की वफादारी पाठ के लेखक है लल्लू भाई तो हमने यहां कुत्ते की वफादारी एक और उदाहरण लिखते हैं हम सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम है निराला तो सूर्यकांत त्रिपाठी के नाम है तो निराला शब्द आएगा वो उनका उपनाम है तो निराला को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दर्शाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है तो निराला का उपनाम है तो विद्यार्थी मित्रों जहां पे हमें किसी रचना पुस्तक या किसी के उपनाम को दर्शाना है वहां सिंगल इंडिकेट कोमा यानी कि अवतरण चिन्ह जो इकरण अवतरण चिन्ह होता है इसका प्रयोग हम करते हैं। अब हम बात करेंगे दोहरा अपहरण दोहरा अवतरण चिन्ह तो वो कहा है किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप से किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में अद्भुत उद्गुत करने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति कोई बात करता है उस बात को उद्घाटन करने के लिए उस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए हमें अवतरण चिन्ह जो दोहरा अवतरण चिन्ह होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है प्रार्थना की आत्मा ही खुराक है प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है तो गांधी जी जो कहना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप में उद्घाटन करने के लिए हमें समझाने के लिए उसे डबल इंडिकेटर कॉमा के माध्यम से हमें समझाया है। दूसरा एक वाक्य शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान इसका उदाहरण शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान तो यहां जय जवान जय किसान शास्त्री जी जो कथन कहना चाहते हैं उसे उद्घाटन करने के लिए हमें डबल इंडिकेटर कॉमा यानी कि दोहरा अवतरण चिन्ह माध्यम से हमने दर्शाया है। तो आपको पता चल गया कि इकरा अवतरण चिन्ह और दोहरा अवतरण चिन्ह दोनों का प्रयोग कहां कहां होता है। एक बार फिर से समझाता हूं कि इकरा अवतरण चिन्ह जो होता है उसका प्रयोग किसी वस्तु नाम उपनाम रचना पुस्तक दर्शाने के लिए और दोहरा किसी कथन को स्पष्ट रूप से उद्घाटित करने के लिए स्पष्ट रूप को समझाने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थी आपने ये पूर्ण विराम प्रमुख विराम चिन्ह है क्योंकि 1 2 3 4 5 6 6 तो 6 में पूर्ण विराम 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 प्रश्नार्थक चिन्ह उद्गार चिन्ह अवतरण चिन्ह तो 6 प्रकार हमने समझे और 6 प्रकार का 6 विराम चिन्ह का कहां कहां प्रयोग होता है इसकी बात हमने देखे की। अब कुछ अन्य विराम चिन्ह है कोष्टक और योजक इसकी बात विस्तार से करेंगे। अन्य विराम चिन्ह अन्य विराम चिन्ह में पुस्तक चिन्ह जो दो प्रकार के पुस्तक होते हैं ऐसे भी होते हैं ऐसे भी होते हैं आयोजक चिन्ह
जो एक डैश जो नीचे लिखा होता है, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, इसके बाद हम करेंगे योगक योजक नियम की अनुपस्थित। तो कोष्टक इसका प्रयोग करो, तो इसका प्रयोग क्रमांक दर्शाने के लिए, क्रम सूचक क्रम दर्शाने के लिए, शब्दार्थ समानार्थी शब्द दर्शाने के लिए, या नाटक के पात्रों में इसके हाव भाव को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग होता है। कहां कहां होता है, कोई क्रम दर्शन मान लो एक दो तीन, क्रम दर्शाने के लिए कोई अक्षर भी ऐसा ना हो, मान लो ए बी सी ऐसे, इससे कुछ पैदा करता है तो ए दो घुमाने दर्शन के लिए, तो यह काम कोई कार्य किया और उसके कोई बेटा बेटा दर्शन है, तो इस काम से हम दर्शा सकते हैं, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोई क्रम दर्शन हो, कोई अक्षर दर्शन हो, और साथ ही कोई नाटक में कोई कार्य समान आदि शब्द, मान लो कहने का पानी और उनका में प्रयोग समान आदि शब्द दर्शन है, जल पानी जल अंबर, तो इसीलिए जो पानी अंबर समान दर्शाना तो भी हम एक अंश का प्रयोग करते हैं जिसे कोष्टक चिन्ह कहते हैं। अब बात करते हैं योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हमें करना है। इसका प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए, मान लो राम सितारा, तो हम ऐसे लिखेंगे सीता राम, रात में दिन रात दिन रात, अगर इसका हमको वाक्य लिखना है तो क्लास में शोरगोल मत कर, हम विद्यार्थी को मैं ऐसी सूचना देती हूँ कि क्लास में शोरगोल मत करो, तो शोरगोल वाक्य लिखने क्लास में शोरगोल मत करो, तो शोरगोल तो शोर और गुण के बीच जो हमें निशान यानी कि चिन्ह किया है, यहाँ पे जो चिन्ह किया है ये चिन्ह किया है, ये शोरगोल का चिन्ह किया है, ये योजक चिन्ह उसे बोला जाता है। जैसे कि मारना पीटना, तो मारना और पीटना, उल्टा पुल्टा, तो उल्टा और पुल्टा के बीच में योजक चिन्ह आता है। ऐसे ही गांव गांव बन जाया, गांव गांव भटक रहा था, बन जाया गांव गांव भटक रहा था, तो गांव गांव के बीच दो शब्द है गांव गांव, उनको अलग करने के लिए हमें इसका प्रयोग करना पड़ता है। इसी तरह रात दिन, हमें रात दिन मेहनत करनी चाहिए, अथवा हमें रात में परिश्रम करना चाहिए, तो रात और दिन के बीच दो शब्द उनको जुदा करने के लिए हमें रात और दिन के बीच ये चिन्ह लगाना पड़ता है, तो इसको योजक चिन्ह कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने हिंदी व्याकरण संसद साथ में एक विराम चिन्ह की बात की, आपको भी समझ में आया होगा कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं और विराम चिन्ह कितने आते हैं, हमने समझा है छह विराम चिन्ह और अन्य दो विराम चिन्ह है, तो आपको भी छह विराम चिन्ह और अन्य दो विराम चिन्ह है इसकी अच्छी समझ हो तो आप लेखन कार्य अच्छी तरह से कर पाएंगे और हम जो कहना है हमारा जो भावार्थ है वो सामने वाले के सामने व्यक्त कर पाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज का एक प्रकरण यहाँ हम समाप्त करते हैं, लेकिन इससे पहले आप होमवर्क करना नहीं भूलिए। आज के होमवर्क में आपको मैंने जो भी विराम चिन्ह रखे या लिखे थे, आपने जो पढ़े वो छो और आठों आठ विराम चिन्ह आपको उदाहरण सही अपने नोटबुक में होमवर्क के रूप में लिखना है। बोलेगा मत, जब कहीं भी कभी भी आपसे लेसन मांगा जाएगा तब आपने
तब आपको चौकस यहाँ पे रिलेशन दिखाना होगा। और साथ ही अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समझ में ना आता हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो चौकस आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखिएगा और साथ ही स्कूल का संपर्क भी करिए और मोबाइल नंबर भी आपके पास है जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें ग्रुप एड भी है, उसको आप फोन पर भी बात कर सकते हैं। जब भी आपको कोई सहायता की जरूरत हो आप चौकस हमारा संपर्क करें और हम हर समय आपका प्रश्न सॉल्व करने के लिए तैयार रहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए अपने सर अशोक चालक को जाने की अनुमति दीजिए। आज बाय बाय।